हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप गुप्ता, मोटिवेशनल स्पीकर, और आज हम बात करेंगे अपने सदी के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक आचार्य चाणक्य जी। उन्होंने अपने इस उपदेश में बताया है कि अगर हम तीन लोगों की संगत करते हैं तो कभी भी मृत्यु के जो है गामी हो सकते हैं। तो वीडियो को जो है पूरा लास्ट तक देखिएगा और जानते हैं इस श्लोक के माध्यम से कि ऐसे कौन से तीन लोग हैं जिनसे हमको अपनी जान का खतरा बना रहता है। तुष्ट भार्या सठम मित्रम भृत्यक्तो चरदायक ही ससर्पे चाग्रहे वासे मृत्युरेव न संचय। अर्थात उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि उनके देखिए जितने भी उपदेश हैं वो जन कल्याण के लिए बने हैं और हमारे लिए हजारों सालों से जब से उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है तब से हमारे लिए उपयोगी हैं। और इस श्लोक में बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताई है। पहला तो कटु वचन बोलने वाली स्त्री, अगर हम ऐसे स्त्री की संगत में रहते हैं जो हमेशा कटु वचन बोलती है तो वो हमारे लिए जो है हमेशा जो है जान का खतरा बना रहेगा। और दूसरा है जो आपके मित्र होते हैं विश्वासघाती मित्र, तो विश्वासघाती जो मित्र होते हैं उनसे आपको दूरी बनाना है। जैसे आपके मित्र जो है दो प्रकार के होते हैं, मगर जो पहले होते हैं जो आपके हमेशा सहयोग करते हैं, दिल खोल के सहयोग करते हैं, और दूसरा जो है आपसे सहयोग तो करते हैं मगर पीछे बुराई भी करते हैं और आपका आचरण जो है बर्बाद करते रहते हैं और आपकी जड़ें काटते रहते हैं। तो ऐसे मित्रों से आपको दूरी जो है बना के रखना है। और तीसरा है यानी कि विश्वासघाती सेवक, यानी कि जो अपने बारे में है सोचे स्वेच्छाचारी और विश्वासघाती, ऐसे सेवक यानी कि नौकर को जो है आपको दूरी बनाना है, उस ऊपर निगरानी रखिए। अगर वो गलत है उसको आपको निकाल लेना है, उससे आप दूरी धीरे धीरे बना लीजिए। तो इस प्रकार से उन्होंने इस यानी कि उपदेश में बताया है कि हमको इन तीन लोगों से हमेशा दूरी बना के रखना है, नहीं तो हम कभी भी मृत्यु के गामी हो सकते हैं। तो इस तरीके के मोटिवेशनल वीडियो, एजुकेशनल वीडियो चाणक्य नीति के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और जो है कमेंट करके बताइए, कमेंट करिए आप किस टॉपिक में और वीडियो चाहते हैं। मैं उस यानी कि कमेंट को जो है ज़रूर मेंशन करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। और जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को ये जानकारी शेयर करिए। इसी के साथ ओके, थैंक।